अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं फिर आपके साथ एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, और ये भी बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, तो बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है। तो इस रेसिपी का नाम है चिकन मलाई रोल, या मलाई रैप भी आप बोल सकते हो। तो चलिए हम शुरू करेंगे इसे किस तरह बनाया जाता है। और आप सबने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और आपके फ्रेंड और रिलेटिव्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वंस अगेन। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारी रेसिपी। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स देखेंगे हमें क्या क्या और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाया जाता है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेशन करना है, तो इसमें हमें बोनलेस चिकन ही लेना पड़ेगा। उसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मैंने अच्छी तरह से इसे वॉश कर ली हूँ। फिर उसके मैरिनेशन के लिए हमें कुछ चीज़ें ग्राइंड करना पड़ेगा। ये दो मीडियम साइज़ के कांदे है, थोड़ा सा कोरिएंडर है, और काजू और ग्रीन चिल्ली, ये सारे का मिक्स करके पेस्ट बनाना है हमें। ये सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर में डाल देंगे और उसका फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर पेस्ट रेडी हो गया था। अभी मैं चिकन में ऐड कर दूँगी इसे। पहले मैं दही ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैरिनेशन करके हमारे पास अगर टाइम है तो आधा घंटा एक घंटा पहले मैरिनेशन करके अच्छा और ज़्यादा अच्छी तरह से चिकन में मसाले बैठ जाते हैं। और साथ ही में मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करूँगी, और अमूल की फ्रेश क्रीम भी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। तो ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। अमूल की फ्रेश क्रीम मैंने 1 टीस्पून और ऐड करी हूँ इसमें। तो इससे पहले मिक्स कर लेंगे हम। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही में हम ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल देंगे 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी, और ये 1/2 kg चिकन था, तो आप उसके क्वांटिटी के हिसाब से आप ऐड करिएगा। तो जो हमने पेस्ट बना के रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और मैं अब सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके हम मैरिनेशन के लिए कुछ टाइम के लिए रख देंगे, कवर करके इसे लीड से। तो यहाँ मिक्सर मैंने थोड़ा सा और ऐड करी हूँ पेस्ट। Thank you.
वेसल ले लेंगे एक, और उसके अंदर हम सारा चिकन में जो मैरिनेशन हमने करके रखे थे वो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो हमें फ्लेम को मीडियम करके ही इसे स्लो पे पकने देना है, पहले कुछ टाइम के लिए मीडियम पे, फिर बाद में हम स्लो करके इसे पकने देंगे जो ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो अब हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिए और जो बचा हुआ मसाला था वो भी मैंने ऊपर से पूरा ऐड कर दी उसमें, और हम स्पून से अच्छी तरह से इसे चला लेंगे। और मैं साथ ही में ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी, और अब हम इसे ऊपर नीचे चारों तरफ से इसे चला लेंगे। तो जब तक ये रेडी होगा हम अपने जो हम तो जब तक हम इसे लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे अच्छी तरह से, हमारा पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए, तो हम जब तक अपने हम आटा गूंद लेंगे हमारे रोल के लिए। तो यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा ली हूँ और 2 ही कप मैंने आटा ली हूँ, तो मैं दोनों चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। और ये मैं 3 to 4 teaspoon ऑयल ऐड कर रही हूँ इसमें, तो हमारे पराठे बहुत ही नरम नरम अच्छे बनेंगे। तो और सॉल्ट भी 1/2 teaspoon ऐड कर रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक चैनल। तो अब हम पहले सूखे आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके हम गूनेंगे जैसे नॉर्मली आटा गूंदते हैं। ज़्यादा हमें पतला भी नहीं करना है ना ज़्यादा कड़क रखना है, नॉर्मली रखना है। हल्का हल्का पानी ऐड करके ही गूंदेंगे इसे। सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम पराठे या रोटी जिसमें भी आपको रोल बनाना है आप वो अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे चिकन की तरफ, अभी हम देखेंगे खुल के। तो यहाँ पे काफ़ी तक पानी नज़र आ रहा था, तो अभी हमारा चिकन गला भी नहीं है और पानी भी बहुत है। रोल के अंदर हम जो सॉस यूज़ करेंगे तो उसे देख लेते हैं हमें किस तरह बनाएंगे। तो हमें इसके लिए चाहिए कोरिएंडर, हम मिक्सर में ऐड कर देंगे, और ये 1 कप मेयोनीज है वो भी इसमें जाएगी साथ में। तो ये हम चिकन मलाई रोल में यूज़ करेंगे, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, तो मेयोनीज में भी एक अलग सा ही टेस्ट आ जाएगा। और यहाँ देखिए हमारे चिकन में पानी अभी नज़र भी नहीं आ रहा है, काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। बस कुछ 5 से 10 मिनट में वो भी पानी ड्राई हो जाएगा, तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारा चिकन बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ दूसरी तरफ हमने सारे जो रोटी के पेड़े थे हमने बना के रख लिए थे, और मैंने एक साइड में चारकोल भी गरम करने के लिए रख दी हूँ कोयला, क्योंकि हम इसे कोयले का फ्लेवर देने वाले हैं। तो कोयला जब तक
लाल ना हो जाए तब तक उसका फ्लेवर अच्छे से फिर आता नहीं है। तो इसे ऐसे अच्छी तरह से गर्म करके उसी के बाद ही इसका फ्लेवर देना, स्मोक देना चाहिए। जो देखिए आपको धुआं नज़र आ रहा होगा इस तरह से। तो अब हम सेंटर में जगह बना के एलुमिनियम फॉइल की कटोरी को रख देंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके हम इसको कवर कर देंगे चारों तरफ से, जो ताकि स्मोक अच्छी तरह रहे। तो 2 से 3 मिनट ही इसमें रखना है अंदर। देखिए इस तरीके का धुआं उसमें आना चाहिए। और साथ ही में हमने 2-3 मीडियम साइज़ के कांदे स्लाइसेस में कट कर लिए और कैप्सिकम भी कट करके रखे। तो ये भी हमारे रोल में जाने वाला है। तो इस तो चलिए हम जब तक अपने पराठे बना लेते हैं। तो जब तक हमारा पराठा रेडी हो रहा है, तो हमने तवा भी गरम करने के लिए रख चुके थे। तो जैसे नॉर्मली वन साइड से हम करते हैं, वो साइड होने के बाद हम दूसरी जगह साइड पे टर्न कर देंगे। और हम हल्के हल्के हाथ से सेकेंगे। और हम अमूल का बटर है ये, हम उसे हमारे रोटी के ऊपर लगा के उसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम टर्न कर लेंगे इसे, दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए हमारी रोटी बनके रेडी हो गई है। तो यहाँ दूसरे साइड मैंने दूसरी रोटी भी डाल चुके हूँ। आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बिल ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। बच्चों के लिए भी स्पेशली बहुत ही अच्छी है। तो अभी मैं एक साथ सारी रोटियां पहले बना ले रही हूँ, उसके बाद हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी सारी रोटियाँ पक चुकी हैं, सॉरी पराठे पक चुके हैं मेरे। तो जो हमने कैप्सिकम और ऑनियन के स्लाइस करके रखे थे, तो उन्हें हम यही तवे पे हल्का सा ग्रीस करके हम उसे थोड़ा सा फ्राई करके उसे थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हम जब रोल बनाएंगे तो ये हम उसमें यूज़ आएगा हमें। तो हम इसे भी ऊपर नीचे करेंगे थोड़ा। पहले इसे हमने बटर से ग्रीस करके फिर उसके बाद में मैंने ये ऐड करी हूँ। और साथ ही में हम थोड़ा चाट मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं साथ में इसमें। तो इसे भी चलो ऊपर नीचे थोड़ा स्पून से कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, हमने स्लो फ्लेम पे ही से पकाए थे। तो यहाँ हमारा जो उसमें सॉस ऐड होएगा वो भी हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ रोटियाँ भी हो चुकी है और अब हम ड्रेसिंग करेंगे। तो ये बाउल को निकाल के रख देंगे हम साइड में। तो यहाँ आ जाते हैं रोटियों की तरफ। तो चलिए ड्रेसिंग करते हैं। एक प्लेट में हम रोटी ले लेंगे, उसके ऊपर हमने जो सॉस बनाया मेयोनीज और कोरिएंडर का वो हम पूरी तरह से इस पर ऐड कर देंगे, जो ताकि चारों तरफ पूरे रोटी के ऊपर लग जाए वो। आप इसे चिकन मलाई रैप भी बोल सकते हैं, चिकन मलाई रोल भी बोल सकते हो। अब हम इसके ऊपर चिकन ऐड कर देंगे।
तो चिकन ऐड करने के बाद जो कैप्सिकम और ऑनियन को हमने हल्का सा फ्राई करके रखे थे वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। आपको अगर और कोई वेजिटेबल भी ऐड करना है, कॉलीफ्लावर या कुछ और भी, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है ये टोटली। तो यहाँ देखिए इस तरह से अभी हम बटर पेपर इसके नीचे रखकर इसे फोल्ड करेंगे, जो ताकि खाने में भी आसानी हो, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि वो ऊपर से खाते हैं और नीचे से गिराते ज़्यादा हैं। तो यहाँ देखिए हमारे मज़ेदार चिकन मलाई रोल बनके तैयार है, वो भी स्मोकी फ्लेवर में। तो आप ज़रूर ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी मेरी, और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपने नहीं करा हो तो। आप ज़रूर वो लाल बटन जो होता है वो ज़रूर दबाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।